फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ चीला। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे एक करछुल रवा और एक ही करछुल हम भर के बेसन यूज करेंगे। दोनों में हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तो ये हरी मिर्च ही है, थोड़ा ये पक जाने पे लाल हो जाता है। अब हम इसी के साथ डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहीं पे हम नमक डाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा घोल बनाना है, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। यानी कि आप सबने चीला बनाया होगा, उसका सेमी ठीक घोल होता है। तो हम इसे अच्छे से फेंटते हुए घोल बना लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से बेटर बनाया है, ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है। अब चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नॉन स्टिक तावा को गर्म कर लिया है। इस पे हम डाल लेंगे 2 ड्रॉप तेल, ज्यादा हमें नहीं डालना है, ज्यादा पड़ गया मेरे से, और इसे हम फैला लेंगे। तो गाइस, आप थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि मेरे की बोतल से उलट गया। और इसी पे हम डाल लेंगे 1 चम्मच बेटर, यानी कि आपको जितना बड़ा चीला बनाना है उतना डालिए, बड़ा बनाना है बड़ा डालिए, छोटा बनाना है छोटा डालिए। और इसे हम करीबन 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एक साइड से चीला ऊपर से ड्राई हो चुका है, इसे हम फ्लिप करेंगे। तो एक पॉइंटेड स्पैटुला से हम ऐसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसे हम दूसरे साइड से भी अलट पलट के 1-2 मिनट तक कड़ाड़ेदार सेक लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमने दूसरा चीला भी उलट पलट के कड़ाड़ेदार सेक लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया चीला बन रही है। तो गाइस, ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।